उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी की हालत बिगड़ने पर बाराबंकी के जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ उसको रेफर कर दिया है। बिकरू कांड में गिरफ्तार नाबालिग सितंबर 2020 से बाराबंकी संप्रेक्षण गृह में है। अमर दुबे की नाबालिग पत्नी को 14 सितंबर से संप्रेक्षण गृह बाराबंकी लाया गया। जानकारी के अनुसार 1 नवम्बर 2020 को भी उसे महिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, तब उसे खून की उल्टियां हो रही थी। शनिवार की रात अमर दुबे की पत्नी को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। चर्चित प्रकरण से जुड़ी युवती की हालत बिगड़ने पर भर्ती कराने की सूचना संप्रेक्षण गृह से पुलिस प्रशासन को भी नहीं दी गई और उसे खून की उल्टी होने पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए भर्ती रहने की सलाह दी थी। बताया जाता है कि अमर दुबे की पत्नी कि माँ 2 दिन से बाराबंकी में ही थी, लेकिन उसे भर्ती के बाद सामान्य कमजोरी पर भर्ती की सूचना दी गई। अमर दुबे की पत्नी की तबीयत खराब होने पर रविवार को जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन उसके मुंह से खून आना बंद नहीं हुआ। इस पर डॉक्टरों ने सीजर डिसऑर्डर की बात लिखते हुए लखनऊ मेडिकल कॉलेज की तरफ रेफर कर दिया। बताया गया कि लखनऊ जाते समय भी में मुंह से खून आना नहीं रुक रहा था। बाराबंकी के महिला संप्रेक्षण गृह में बंद अमर दुबे की बीमार पत्नी का कहना है कि कमजोरी की वजह से उसे अस्पताल आना पड़ा है।